सर सबसे पहले तो बेरोजगारी हटाना चाहिए। इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और रोजगार सबसे पहले तो मेन मुद्दा रोजगार होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, महंगाई है जो भी है, लेकिन जो आप सीधे सीधे वोट खरीद रहे हैं, तो आप 1000 रुपए दे रहे हैं तो 1250 देंगे, 3000 देंगे, लेकिन आप वोट, आप रोजगार बढ़ाइए। आप मेन तो रोजगार का मुद्दा था। आप बोल रहे हो हाथ में पैसा देने के बजाय हाथ में रोजगार दो। हाँ जी, आप जो 1200-1000 रुपए जो दे रहे हैं, उससे अच्छा तो आप सिलेंडर 500 का करिए, महंगाई थोड़ी कम करिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, पेट्रोल तो दोनों ही पार्टी बोल रही है सिलेंडर सस्ता करेंगे, वो तो ठीक है सर, लेकिन सबसे पहले तो सर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है सर। अच्छा, ये अपने सारे दोस्त इधर आ जाओ, ये वाला अच्छा पॉइंट है, इस पर तो मुझे लगता है आप लोगों से भी अच्छी बात हो सकती है। ये जो दिमाग में रोजगार वाली बात है, जॉब वाली बात है, कितना अपने आप को सिक्योर समझते हो, नहीं समझते हो, कितने कॉन्फिडेंट हो कि जॉब होंगी नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी? मतलब अब जिस तरह की हालत चल रही है उसके हिसाब से रोजगार के लिए तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते, सिक्योर नहीं समझते। अभी जो भी सरकार चल रही है मुझे लगता है रोजगार के लिए वो सही काम नहीं कर रही है, उसे और बेहतर करना चाहिए। क्योंकि रोजगार सबसे मेन, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ही वही है सबसे ज्यादा। अगर रोजगार आप बढ़ा देंगे तो महंगाई वगैरह सब वो कंट्रोल करने के लिए खुद खड़ा हो सकता है व्यक्ति। अगर रोजगार ही नहीं होगा उसके बाद आप उसको महीने के 1500 रुपए दें या 1000-1200 रुपए दें, कोई मतलब के नहीं है उसके। अगर वही चीज उसको अच्छा रोजगार दे देंगे आप, तो वो अपनी फैमिली को खुद चला सकता है। यस सेम। इतना तो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा चल रहा है कि सबको अलग अलग, अभी जैसे मामा ने निकाला था हमारा कि पढ़ो कमाओ, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको सिर्फ अगर एक शिक्षा देनी चाहिए तो एक बेसिक पर शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को परमानेंट की शिक्षा, उनके मतलब सारा खर्चा अगर एक तरह से देखा जाए, जो नहीं पढ़ सकते उनका खर्चा तो उन्हें करना चाहिए, और साथ में पढ़ाई के साथ साथ उनको फिर पढ़ाई जब खत्म हो जाए उस हिसाब से उनको जॉब भी देनी चाहिए। फिर क्या मानना है जॉब को लेकर? मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में वैसे मैं जॉब के भरोसे तो हूँ नहीं, क्योंकि साइड बाई साइड में आर्ट्स भी, मतलब अपना गिटार वगैरह प्ले करता हूँ, मतलब उस पे म्यूजिक वगैरह पे काम कर लाए होते तो सुनता है। तो जॉब को लेके ऐसे मेरा भी जॉब कर रहा हूँ मैं प्लैटिनम प्लाजा पे, तो मेरा वहाँ पे मतलब सैलरी का भी इशू है, सैलरी भी बहुत कम देते हैं कहीं कहीं, जैसे कि मेरे हिसाब से 500 पर डे का तो होना ही चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से ही जो भी होना चाहिए एक मिनिमम वेतन होना चाहिए। अब ये बताइए, जो लड़के सब बोल रहे हैं रोजगार की बात, आप बोल रहे हैं काम तो खूब होता है, काम हुआ है उस पर वोट करेंगे, इधर आ जाइए आराम से, तो ये रोजगार वाली दिक्कत कितनी है नहीं है? इसमें अपना 45% जा रहा है अभी। मैंने क्या है कि अभी इसमें तो अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते पोल की क्या है। मैंने क्या, मैं भी 2017 बेस से मैं भी खड़ा हूँ, मैं आपका विभाग से हूँ, 2017 से हूँ, मेरा भी स्टे लगा हुआ है अभी। हर एक चीज है, गवर्नमेंट और प्रशासन थोड़ा काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बाकी ऊपर के स्तर के लोग काम कर रहे हैं, नीचे वाले स्तर दबा रहे हैं उसको, इसमें बहुत ज्यादा समस्या है। ये जो आप पॉइंट बोले थे सारे लड़कों को तो आपने सुन लिया, और भोपाल की एक बड़ी अच्छी खासियत है सुबह सुबह कुछ लोग निकलते हैं, आ जाइए साइकिल पर घूमने ताकि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। तो आइए सर, अपना नाम बता दें। मैं ओपी कटेल हूँ, 95 साल बैंक से रीजनल मैनेजर रिटायर हुआ था, उसके बाद मैंने साइकिल की हॉबी चुनी और बड़ा आनंद आ रहा है। आपके कई साथी में तो मैं आया था चुनाव पर बात करने, और मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन पार्टी जीत रही कौन हार रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ जब आप लोग बाहर निकलते हैं, अपने अपने फील्ड से भी जुड़े हैं, रोज सुबह भोपाल में भी घूमने निकलते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है भोपाल में, कौन सी ऐसी दिक्कत परेशानी जिसको दूर करना चाहिए, सरकार कोई भी आए लेकिन वो दूर हो? क्योंकि आप लोग जब बाहर निकलते हो तो दिक्कत परेशानी समझ आती है, अपने बिजनेस जॉब के कारण, प्रोफेशन के कारण भी लोगों से जुड़े हो। भोपाल में एक तो मेरे को सबसे ज्यादा कमी लगती है, कई रोड इतने खराब है कि उसमें गड्ढे बड़े बड़े बने हुए हैं और हम लोगों को साइकिल चलाने में डर लगता है। तो सबसे पहला तो काम ये करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है देश का, भारत का, भोपाल का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ज्यादा है यहाँ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।